आज मैं आप लोगों के लिए सोयाबीन और चना की बहुत ही टेस्टी सब्जी की रेसिपी लेके आया हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए फिर से बना लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे चना और सोयाबीन की सब्जी। इसे बनाने के लिए मैंने एक कटोरी भिगोया हुआ चना लिया है, आप देख सकते हो। साथ ही मैंने आधा कटोरी मीडियम साइज का सोयाबीन लिया है, न्यूट्रेला जिसे कहते हैं। इस चना और सोयाबीन की कड़ी को हम कुकर में बनाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा बनेगा। तो चलिए फिर इसमें मसाला डालने के लिए हमने ले लिया है एक लहसुन और खड़ा गरम मसाला, आप देख सकते हो। इसमें दालचीनी, जावित्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग है। तो आप यहाँ देखेंगे कि हम इस मसाले को अच्छे तरीके से मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। तो अब ये मसाला मैंने बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। इधर मैंने चूल्हे पे कुकर चढ़ा दिया है, कुकर अब गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 2-3 चम्मच तेल ऐड करेंगे, सरसों तेल डालना है। आप यहाँ देख सकते हो तेल हमने डाल दिया है। तेल को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। तेल अब अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सोयाबीन ऐड कर देंगे। सोयाबीन डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से भून जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे, और निकाल के इसको एक पानी में हम इसको सोयाबीन को डाल देंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि सोयाबीन अब अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं कुकर में से। ये सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आप लोग एक बार बनाओगे तो बार बार बनाओगे, इतना अच्छा लगता है। आप लोग इस प्रोसेस से एक बार सोयाबीन और चना की सब्जी ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। सोया चंक्स निकालने के बाद हमने इसमें और तेल डाल दिया है। आप यहाँ देखेंगे तेल अब गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा। जीरा को हल्का पकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 सूखा लाल मिर्च और 1 तेज़पत्ता। इन सभी चीज़ों को डाल के हल्का पका लेंगे। तब हम इसमें 1 बड़ा साइज के प्याज को हमने लंबा लंबा कट करके रखा है, वही प्याज हम इसमें डाल देंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि हल्के तरीके से पक चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज डाल के इसको मिलाते हुए भूनेंगे। भुना हुआ सोयाबीन को हमने पानी में डाल दिया है, आप यहाँ देख सकते हो। प्याज को अच्छे तरीके से भूनते हुए गोल्डन फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से गोल्डन फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। हमने जो लहसुन और गरम मसाला वाला मसाला पीसा है ना, वही हम इसमें डाल दे रहे हैं। आप देख सकते हो मसाला हमने डाल दिया है। साथ में ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच किचन किंग पाउडर। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने तीनों मसाले अच्छे तरीके से डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। नमक भी डाल दिया है हमने। नमक डाल के इसको अच्छे तरीके से मिलाते हुए भून लेंगे। गैस के फ्लेम को धीमा ही रखेंगे। धीमी आंच पे अच्छे तरीके से इस मसालों को भून लेंगे। आप इस सब्जी को रोटी, पूरी, पराठे, चावल किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप यहाँ देखेंगे मसाला अब अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें सोयाबीन डाल देंगे। इसको हाथों से इस तरह से निचोड़ लिया है हमने और इसको मसालों में ऐड कर दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो सारा सोयाबीन हमने डाल दिया है। अब हम इसको मिलाते हुए फिर से भून लेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे भिगोया हुआ चना जो हमने रखा है, वही हम इसमें डाल दे रहे हैं। आप देख सकते हो चना भी हमने डाल दिया है इसमें। चना डाल के इसको 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। आप लोग एक बार मेरे तरीके से सोयाबीन और चना की कड़ी बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि 2 मिनट हो चुका है। चलिए अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। पानी हमने 1.5 गिलास के करीब लिया है, क्योंकि सोया चंक्स अपने में पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए थोड़ा ज़्यादा पानी हमने डाला है। तो आप देख सकते हो पानी हमने डाल दिया है। इसको कुकर का ढक्कन को हम बंद कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 सीटी लगने देंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कुकर में अच्छे तरीके से सीटी लग चुका है और प्रेशर भी अब निकल चुका है। आप यहाँ देख सकते हो सब्जी का कितना प्यारा कलर आया है। तो मैं आपको इसे कलछी में लेके दिखलाती हूँ कि कितना अच्छा सब्जी बनके तैयार हुआ है सोयाबीन और चना का। तो आप यहाँ देखेंगे कितना अच्छा ग्रेवी बनके तैयार हुआ, और सब्जी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर बनाइए। अगर आप लोगों को ये सोयाबीन और चना की कड़ी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।